लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। देवरिया जिले के रामपुर कारखाना क्षेत्र के बीवीचक गांव से अपहृत 7 वर्षीय बालक को पुलिस ने किया बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। देवरिया जिले के रामपुर कारखाना क्षेत्र की पुलिस को आज उस समय बड़ी सफलता मिली जब शादी समारोह में गए 7 वर्षीय विवेक यादव व भोला को अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि गांव के एक शादी में 13 दिसंबर को विवेक यादव गया हुआ था और वह वापस घर नहीं लौटा। उसी दौरान बालक के परिजनों के मोबाइल पर 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस की काफी तत्परता के कारण अपहृत बालक को गन्ने के खेत से बरामद कर लिया गया। अपहृत बालक के मुंह को टेप से सीलकर आंख पर पट्टी बांध कर रखा गया था। घटना को अंजाम देने में अपहृत बालक का चचेरा भाई मुख्य रूप से शामिल था। इस संबंध में SP देवरिया डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने बताया कि घटना में शामिल तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बरामद कर लिया गया है। बरामद करने वाले पुलिस टीम को DIG गोरखपुर ने 15,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा किया है। क्या खुलासा है बताएं? परसों रात में थाना रामपुर क्षेत्रांतर्गत बीबीचक गांव का एक बच्चा अपने परिवार के साथ, बगल में ही शादी आई थी उसमें था, माता पिता उसके घर आ गए और बच्चा वापस नहीं आया और माता पिता सो गए। सवेरे इनको टेलीफोन आया कि तुम्हारे बच्चे का हम लोगों ने अपहरण कर लिया है। इस पर इन्होंने उस बच्चे की खोजबीन शुरू किया और इसी बीच में 8 बजे के आसपास फिर टेलीफोन आया कि 10 लाख रुपए का इंतजाम करिए। इस पर इन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस में शादी वर्दी में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में फोर्स 4-5 टीमें लगा करके SOG संबंधित थाना प्रभारी और भी जो हमारे और अगल बगल के थाने थे उनको लगा करके इसकी वैज्ञानिक तरीके से ट्रेसिंग कराई गई और उसमें पुलिस को सफलता मिली और लगभग 12 घंटे के अंदर ही लड़के को सकुशल गन्ने के खेत से बरामद कराया गया। उसके मुंह में इन अपराधियों ने टेप लगा दिया था और उसके हाथ में रस्सी लगाई थी जिसकी वजह से हाथ में सूजन भी है। इसमें जो आश्चर्यजनक बात निकल करके आई है कि अपहृत 7 साल का है और इसी का सगा चचेरा भाई है जिसने यह पूरी घटना को अंजाम दिया है अपने दूसरे गांव के 2 अन्य अपराधी साथियों के साथ मिलकर। इस संबंध में ये जो तीनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इनके खिलाफ हम लोग गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई और अगर NSA के तहत भी देख रहे हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स भी उसमें हैं, उसके तहत भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें इनाम भी कुछ मिला है टीम को 12 घंटे के बाद? DIG रेंज महोदय ने इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया उसके लिए रेंज DIG महोदय ने 15,000 रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा की है तथा क्षेत्राधिकारी नगर को प्रशस्ति पत्र और पूरी टीम को अलग से प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा किया है। UP के जनपद देवरिया से संदीप कुमार की रिपोर्ट। बच्चा वही रामपुर रोड पे ले गए लोग, खाए सब लोग, हम उसमें हम नहीं जानते उठाने वाली बात। कहाँ ले गए? क्यों कहाँ ले गए बच्चे? सीधा गढ़े रामपुर गया था बच्चा। किसके वहाँ?